साउथ अफ्रीका सीरीज में ही कप्तान रोहित शर्मा को सुलझानी होंगी ये बड़ी समस्या है, वरना T20 वर्ल्ड कप में पड़ेंगी भारी। जी हाँ, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फिलहाल 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जहाँ पर टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से सीरीज की वैल्यू बहुत है, और आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी समस्याएं टीम इंडिया के साथ में बताने वाले हैं जिनकी गुत्थी टीम इंडिया को सुलझानी होंगी T20 वर्ल्ड कप से पहले, वरना टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में कहीं न कहीं अपने विजय आगाज को लेकर मुश्किल में पड़ जाएगी। और वैसे देखा जाए तो टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो इसीलिए ही करवाए गए हैं ताकि रोहित उन सवालों के जवाब ढूंढ पाए। लेकिन आखिर कौन से हैं वो 3 बड़े सवाल जिनका समाधान केवल इस साउथ अफ्रीका सीरीज में ही मिलने वाला है? यहाँ नहीं मिला तो फिर आपको आगे जाकर कहीं इन समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा, ये आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां टीम इंडिया ग्रुप नंबर 2 में है और जहां पर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जैसी खतरनाक टीमें उसमें पहले से ही हिस्सा ले चुकी है। कुल मिलाकर टीम इंडिया को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है, यानी कि सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो फिर टीम इंडिया को 5 में से 4 मुकाबले हर हाल में और कीमत में जीतने होंगे। लेकिन अगर बात करी जाए फिलहाल कि आखिर वो 3 समस्याएं कौन सी है जो टीम इंडिया की गुत्थी सुलझाने में कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी समस्या यह है कि जसप्रीत बुमराह की ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की भूमिका अहम होती, लेकिन इन तेज गेंदबाज का पीठ की परेशानी के कारण ICC की इस प्रतियोगिता में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का आयोजन वर्ल्ड कप से पहले टीम की तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए किया गया था, लेकिन बुमराह की अनुपस्थिति ने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के सामने कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल तो खैर इस बात को लेकर भी है, बुमराह जो है नहीं खेलेंगे तो उनका विकल्प कौन होगा? और वैसे देखा जाए तो बुमराह के बारे में सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आया कि बुमराह खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई भी बयान जो है जारी नहीं किया गया है। खेल भी सकते हैं मगर अब मुश्किल लग रहा है। और इसी के लिहाज से दूसरी बड़ी गुत्थी जो आती है वो स्टैंड बाय में शामिल है दीपक चाहर को लेकर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका सीरीज में भारत के पास दीपक चाहर है जो विश्व कप के लिए स्टैंड बाय है। तिरुवनंतपुरम में पहले मैच में चाहर बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की करके दक्षिण अफ्रीका का शीर्ष क्रम झकझोर कर दिया, जिसने भारत में इस मैच में आसानी से जीत हासिल करी और 1-0 की बढ़त बनाई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो स्विंग मास्टर हैं भुवनेश्वर कुमार वो फॉर्म में नहीं है और वो इस सीरीज में भी नहीं थे। अगर जो दीपक चाहर की बात की जाए तो वो शानदार लय और फॉर्म में नजर आ रहे हैं, युवा तेज गेंदबाज हैं, नई गेंद से विकेट चढ़ाने का ये भी मादा रखते हैं। तो कुल मिलाकर क्या भुवनेश्वर कुमार को बाहर किया जाए और दीपक चाहर को शामिल किया जाए, ये गुत्थी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में ही सुलझाने का प्रयास कप्तान रोहित शर्मा करने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज और उमेश यादव को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन अभी ये दोनों वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या टीम प्रबंधन को बुमराह की जगह लिए गए गेंदबाजों को आजमाने का पर्याप्त मौका है? विश्व कप के लिए स्टैंड बाय में शामिल अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी COVID-19 से उभर रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं है। कुल मिलाकर बुमराह का विकल्प तो है ही नहीं, लेकिन अब जो है ये मोहम्मद सिराज और उमेश यादव से आप क्या करवाएंगे, ये भी गुत्थी है। अक्षर पटेल ने भी भारतीय टीम के लिए अच्छा काम किया है, फिलहाल एक स्पिन डिपार्टमेंट में कोई है जो काम कर रहा है। रविंद्र जडेजा के घुटने के ऑपरेशन कराने के बाद उनकी जगह टीम के लिए अक्षर पटेल ने मौके का पूरा फायदा उठाया और अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी विभाग में विश्व कप से पहले विराट कोहली सहित भारत की चोटी के 4 बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा कर बात वहीं आ जाती है कि आपको जो है KL राहुल का जो फॉर्म है उसकी गुत्थी भी यहीं पर सुलझानी है। क्या ओपनिंग में वही उतरने वाले हैं, इसकी गुत्थी भी यहीं सुलझेगी? कुल मिलाकर टीम इंडिया जो है वो इन सवालों के घेरे में है। इस बारे में आपकी क्या राय है?